सौत के व्रत की कहानी। आओ तुमको मैं सुनाती, ध्यान से सुनना बहना सारी। व्रत को रखती सच्चे भाव से ये व्रत करती, खुशी कभी नहीं घर से जाती। आयु लंबी होती। करवा चौथ का व्रत है पावन, नारियों का ये व्रत मन भावन। इस दिन सज धज कर सब नारी करती है सोलह श्रृंगार, पति से वो लेती उपहार, रात में चांद को अर्घ देती, बाद ही भोजन लेती। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत आता है, चतुर्थी के दिन व्रत सब करती। करवा चौथ के व्रत की कहानी, आओ सुनाऊं अपनी जुबानी, तुमको कहानी सुनाऊं आज। बहुत पुरानी है ये बात। एक सेठ के पुत्र थे सात, रहते थे सब एक ही साथ, सातों की एक प्यारी बहना। पावन दिन आया इस व्रत का, करवाई हुई थी माई का, खाना खाने जब बैठे भाई, बहन को तब आवाज लगाई। भाई बोले तब बहना से, बहना तू भी खा ले खाना। करवाने तब आकर बोला, शाम को चांद को अर्घ लगा के, श्रद्धा भाव से पूजा करके, भोजन करूंगी उसके बाद। तब तक मेरा है उपवास। रात को काफी देर तक चांद नहीं निकला, भूख के कारण करवा की बड़ी थी व्याकुलता। बहन की भूख से ये व्याकुलता, छोटा भाई देख न पाता, उसने मन में सोचा उपाय का हल हो जाए। थोड़ी दूर पर उसने जाकर एक पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक एक जलाया था, चांद के जैसा वो दिखता था। बहन से भाई ने बोला आकर, छत पर बहना देखो जाकर, चांद निकल आया अंबर पर। लगाओ चांद को जाकर। करवाने बिन सोचे समझे, शीघ्रता में ही छत पे जाकर, चांद को अर्घ लगा करके पहला टुकड़ा खाई। करवा को तब छींक थी आई, जैसे ही दूसरा टुकड़ा खाया मुंह में बाल आया। तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाई, पति की मृत्यु की खबर थी आई, बिलख बिलख कर रोने लगी वो, अपना धीरज खोने लगी वो। भाभी उन्हें उसको बतलाया, व्रत का नियम नहीं निभाया, जिसको उसने समझा चांद भाई ने दीपक था जलाया। करवाने तब किया ये प्रण, अपने दोष का करूं निवारण, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, लेकर वो मन में विश्वास, बैठ गई थी लाश के पास। धीरे धीरे बीता समय, लाश में सुई सी उगी थी घास, तोड़ तोड़ कर लाश से घास, रखने लगी वो अपने पास। एक साल जब बीत गया, जब थी आई, करवाने ये अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो। पहली भाभी का था कहना, मैं नहीं कर सारी ये बहना,
मेरी बात बताई, पांच विभा भी जब थी आई, जब छठ विभा भी थी आई, करवा ने यही अर्ज लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, सुहागन मुझे भी कर दो। छठ विभा भी का था कहना, ध्यान से करवा बात को सुनना, सात विभा भी जब आएंगी के पति के ही तो कारण, ऐसा हुआ है तेरा जीवन, वो ही दिलाएंगे जीवन दान, बात लगा कर ध्यान, उसके पाँव नहीं छोड़ना, जब तक तुझको हाँ कर देना, वो ही बनाएंगे तेरी बात, सात विभा भी आई, करवाने यही अर्ज लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, सुहागन मुझे भी कर दो। उसने भी जब मना ही कर दी, करवा बेचारी रोने लगी थी, पाँव पकड़ ली भाभी के तब, करवाने भी भाभी के पाँव कस कर थे पकड़े, बिलख बिलख कर रोने लगी थी, बार बार यही कहने लगी थी, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, सुहागन मुझे भी कर दो। करवा की जब हालत देखी, भाभी थोड़ी सी थी पसीजी, अपनी छोटी उंगली थी चीरी, अमृत धारा निकली, अमृत की जो धारा थी निकली, उसके पति के मुंह में गिरी थी, श्री गणेश का नाम वो लेकर कर फिर करवाने, भाभी का उपकार मनाया, गणेश गौरा माँ की दया से पति ने जीवन पाया, श्री गणेश हे गौरा माता, तुम तो सबके भाग्य विधाता, जैसे से दिया जीवन दान, कोई नहीं करिए, विधि से व्रत का पालन करिए, रहेगा सबका अमर सुहाग, मैया के आशीष को पाओ, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, जीवन में कोई कष्ट न होगा, करवा चौथ का व्रत है पावन, व्रत करने से पति की उलझन मिट जाती, जीवन की सारी खुशियों की फुलवारी, माता कृपा कर देती है, सारा संकट हर लेती है, श्रद्धा भाव से जो व्रत करता, रोग शोक संताप मिटाती, जीवन में है प्रताप बढ़ाती, सबका अमर सुहाग मकरती, झोली भरती, हर नारी के जीवन में देना खुशी उपहार, हाथ जोड़ वंदन करे शिखा है बारंबार, करवा चौथ के व्रत की गाथा, आओ तुमको मैं बतलाता, ध्यान से सुनना बहना सारी, जो नारी इस व्रत को रखती, सच्चे भाव से ये व्रत करती, खुशी कभी नहीं घर से जाती, करवा चौथ का व्रत है पावन, नारियों का ये व्रत मन भावन, इस दिन सज धज कर सब नारी, पत्नी करती 16 श्रृंगार, पति से लेती वो उपहार, रात में चांद को अर्घ दिलाती,
कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का आता व्रत है। चतुर्थी के दिन व्रत सब करती, करवा चौथ के व्रत की कहानी आओ सुनाऊं अपनी जुबानी, तुमको कहानी बताऊं एक सेठ के पुत्र थे सात, रहते थे सब एक ही साथ, सातों की एक प्यारी बहना। पावन दिन आया इस व्रत का, करवा आई हुई थी मायका, खाना खाने बैठे जब भाई, भाई बोले तब बहना से, बहना भी तू खा ले खाना, करवा ने तब आकर बोला, शाम में चांद को अर्घ लगा के श्रद्धा भाव से पूजा करके भोजन करूंगी उसके बाद। रात को काफी देर तक चांद नहीं निकला, भूख के कारण करवा की बढ़ी थी व्याकुलता, बहन की भूख से ये व्याकुलता, छोटा भाई देख न पाता, उसने मन में सोचा उपाय, दूरी पे उन्होंने जाकर एक पीपल के वृक्ष के ऊपर दीपक एक जला दिया था, चांद के जैसा वो दिखता था। बहन ने भाई से बोला आकर, छत पर बहना देखो जाकर, चांद निकल आया अंबर पर, करवा ने बिन सोचे समझे शीघ्रता में ही छत पे जाके चांद को अर्घ लगा करके जैसे ही पहला टुकड़ा खाई, करवा को तब छींक थी आई, जैसे ही दूसरा टुकड़ा खाया तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाया, पति की मृत्यु का समाचार आया, बिलख बिलख कर रोने लगी वो, भाभियों ने उसको बतलाया, व्रत का नियम नहीं था निभाया, जिसको उसने समझा चांद, करवा ने तब किया था ये प्रण, अपने दोष का करूं निवारण, अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, लेकर मन में वो विश्वास, बैठ गई थी लाश के पास, धीरे धीरे बीता समय, तोड़ कर लाश से घास रखने लगी वो अपने पास, एक साल जब बीत गया उसकी सारी भाभियों ने पुनः रखा ये व्रत, अपनी ननद से आशीर्वाद लेने आई सब, पहली भाभी जब थी आई, करवा ने ये अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दो, पहली भाभी का था कहना, मैं नहीं कर सकती ये बहना, दूसरी आए तो उससे कहना, दूसरी भाभी जब थी आई, करवा ने यही अर्जी लगाई, अगली आए तो उससे कहना, तीसरी आई चौथी आई, उन्होंने भी यह बात बताई, पांचवी भाभी जब थी आई,
जब छठवी भाभी थी आई, करवा ने यही अर्ज लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, छठवी भाभी का था कहना, ध्यान से करवा बात को सुनना, सातवी भाभी जब आएगी उसके पति के ही तो कारण ऐसा हुआ है तेरा ये जीवन, वो ही दिलाएंगी जीवन दान, उसके पाँव को तू ना छोड़ना, जब तक तुझको हाँ कह देना, वो ही बनाएगी तेरी बात, अंत में सातवीं भाभी आई, करवाने यही अर्जी लगाई, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो, उसने भी जब मना ही कर दी, करवा बेचारी रोने लगी थी, पाँव पकड़ लिए भाभी के तब, भाभी पाँव छुड़ाने लगी, धक्का देती उसे, करवाने भी भाभी के पाँव कस के पकड़े, बिलख बिलख कर रोने लगी थी, बार बार यही कहने लगी थी, यम सुई ले लो पिया सुई दे दो, भाभी सुहागन मुझे भी कर दो, करवा की जब हालत देखी, भाभी थोड़ी सी थी पसीजी, अपनी छोटी उंगली थी चीरी, उसमें से अमृत धारा निकली, अमृत की जो धारा थी निकली, उसके पति के मुंह में गिरी थी, श्री गणेश का नाम वो लेकर हाथ जोड़ कर फिर करवाने भाभी का उपकार मनाया, गणेश गौरा माँ की दया से उसके पति ने जीवन पाया, श्री गणेश हे गौरा माता, तुम तो सबके भाग्य विधाता, जैसे इसे दिया जीवन दान, व्रत में भूल कोई नहीं करिए, विधि से व्रत का पालन करिए, रहेगा सबका अमर सुहास, मैया के आशीष को पाओ, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, जीवन में कोई कष्ट न होगा, करवा चौथ का व्रत है पावन, व्रत करने से पति की उलझन, मिट जाती जीवन की सारी, खिलती खुशियों की फुलवारी, माता कृपा कर देती है, सारा संकट हर लेती है, श्रद्धा भाव से जो व्रत करता, रोग शोक संताप मिटाती, जीवन में है प्रताप बढ़ाती, सबका अमर सुहाग मकरती, खुशियों से माँ झोली भरती, हर नारी के जीवन में दीना खुशी अपार, हाथ जोड़ वंदन करे शर्मा बारंबार,